क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। कब? तो 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रसंघ का गठन, राष्ट्रसंघ का गठन। 24 है, सही सुमिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 3 होगा, कि राष्ट्र स्वयं संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी, 1925 में। ये आपका जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चूड़ामन। क्या होगा? चूड़ामन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से जुड़े हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, खैबर दर्रा से। किसे? खैबर दर्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है। तो फर वनस्पति किससे संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल्पपाइन वंश है। किससे? तो अल्पपाइन वंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो डैश राज्य में है, तो नाथुला दर्रा जो है आपका किस राज्य में है, तो राइट आंसर 1 नंबर होगा, सिक्किम। कहाँ? सिक्किम में जो है आपका नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय भागों वनों से संबंधित नहीं है वह है। तो वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है तो वो कौन सी है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अकेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो कौन नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 31, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है। मतलब चंद्रमा कितना घंटे में पूरा चक्कर करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 28 दिन। कितना? 28 दिन में उसका घूर्णन अवधि है, 28 दिन उसका घूर्णन अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, तो उत्तर पूर्व मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 33 है कि भारत में दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो राइट आंसर 3 नंबर होगा, जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था वह है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो राइट आंसर होगा 1992 ईस्वी में, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 35 है कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 16 है, 16 रेल मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 36 कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो है आपका किस राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा में है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 37 कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार से जो है आपका कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है। तो कौन सा कारक जलवायु के प्रभावित नहीं करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है पृथ्वी के कारक जलवायु के कारक को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यवसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक है, सर्वाधिक रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है। तो रेखांकित शब्द क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा, सर्वनामिक विशेषण।